जिला सोलन स्थित शुनली यूनिवर्सिटी शीघ्र ही चीन में योग सेंटर खोलने जा रही है। यूनिवर्सिटी गुणवत्तापूर्ण रिसर्च में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के समकक्ष है। ये बात शुनली यूनिवर्सिटी के संस्थापक ट्रस्टी विशाल नंद ने सोमवार को धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि शुनली यूनिवर्सिटी में बीएससी योगा शुरू किया गया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के अधिकारी चीन गए थे। इसी दौरान योगा पर उनके अधिकारी द्वारा दिए गए व्याख्यान से प्रभावित होकर चीन के विशेषज्ञों ने एमओयू साइन किया है तथा चीन में योगा सेंटर खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सोलन यूनिवर्सिटी शीघ्र ही 10 से 15 योगा सेंटर चीन में खोलेगी। उन्होंने कहा कि योगा के प्रति हर वर्ग का रुझान बढ़ा है, ऐसे में युवा बीएससी योगा करके ग्लोबल कैरियर बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोलन की शोध उपलब्धियां पहले से ही देश के 10 सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी की औसत से बेहतर है। यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि यूनिवर्सिटी में होने वाली रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसन्नता रखती है और साइबल के महत्वपूर्ण परिणामों में अपना प्रमुख प्रभाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि साइबल एकमात्र स्वतंत्र एवं प्रमाणिक वैश्विक डेटाबेस है। बिब्लियोमेट्रिक्स का उपयोग करते हुए दुनिया भर में 7000 शोध संस्थानों और 220 देशों के अनुसंधान प्रदर्शन तक पहुँच प्रदान करता है। शुनली यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन विपिन पब्बी ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में केवल 4 निजी विश्वविद्यालयों ने ही शीर्ष 100 बैंड में स्थान प्राप्त किया है। शुनली यूनिवर्सिटी ही उन तीनों में से है जिन्होंने 101.150 बैंड में अपनी जगह बनाई है। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस लेज में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और पूरे देश में 1000 से ज्यादा फार्मा स्कूलों में 30वीं रैंक हासिल करने में सफल रहा है। नमस्कार, शुनली यूनिवर्सिटी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है धर्मशाला के अंदर और हमने आज एक बहुत अच्छा मुद्दा इसके लिए चुना है। ये मुद्दा ये है कि आज शुनली यूनिवर्सिटी, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है बताते हुए, हिंदुस्तान के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के साथ शामिल हुई है और ये यूनिवर्सिटी खाली प्राइवेट कैटेगरी में नहीं, सब कैटेगरीज के अंदर है और मेनली रिसर्च पैरामीटर के ऊपर है। स्काईवल एक एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी है जो रिसर्च मॉनिटर करती है ग्लोबली और रिसर्च का इम्पैक्ट काउंट करती है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका सोसाइटी के ऊपर, होस्ट सोसाइटी और वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उस इम्पैक्ट को मेजर करते हुए एक बहुत अच्छा डेटा निकल के आया जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि शुनली यूनिवर्सिटी आज टॉप 10 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में शामिल हो पाई है। हमारा जो इम्पैक्ट है वो जो इन हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनसे कंपेरेबल है, ना काफी कंपेरेबल, बट जहां तक उसका क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज कंसर्न वहां पे हम टॉप 1% के अंदर उसमें आते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड मोमेंट ऑफ शुनली यूनिवर्सिटी वेयर वी बीन एबल टू, हमने ये अचीव किया है जो हमारा एक ग्लोबल मिशन है उसके अंदर और ये शेयर करने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दूसरा एक मुद्दा जो है वो स्टूडेंट्स रिलेटेड है एनआरएफ की। जैसे आप सबको पता है कि अभी रैंकिंग्स रिसेंटली अनाउंस हुई हैं, ये तीसरा साल है कि एनआरएफ की रैंकिंग्स डिक्लेयर की हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शुनली यूनिवर्सिटी जो है कंसिस्टेंटली इंडिया के टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल एक बार फिर से हुई है और मैं सब हिमाचल वासियों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा बिकॉज ये उनका संस्थान है और हिमाचल के लोगों के लिए संस्थान है। मैक्सिमम जो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर यही तोहमत लगती है कि वो शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। उस शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए खासतौर पर शुनली यूनिवर्सिटी जो है वो किस तरह के कदम उठा रही है, किस तरह से बच्चों से मतलब जो अफोर्डेबल जो फीस एजुकेशन जो है। तो देखिए, आप अगर ग्लोबली इसको देखेंगे तो ग्लोबली पूरी दुनिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सरकारी यूनिवर्सिटीज से बहुत आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि उनका फोकस एरिया जो फोकस होता है, अब जैसे हमारा फोकस है हिमालयन सस्टेनेबिलिटी और हिमाचल, तो इस सस्टेनेंस को लेकर हम 100% काम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस में उस तरह के कई तरह के कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। जहां तक मार्केट की बात है, मार्केट के अंदर हर तरह के लोग आते हैं। जब भी प्राइवेटाइजेशन की बात हम करते हैं तो अच्छे भी आएंगे कुछ लोग, सबका इंटेंट मैं मानता हूं अच्छा ही होता है, लेकिन यू नो इन प्राइवेट मार्केट देयर इज ऑलवेज अ गुड एंड अ बैड एंड अगली। सो वो कई बार चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जहां एक इंस्टीट्यूशन सस्टेन नहीं कर पाता एक अच्छे स्टैंडर्ड को या उसको, तो वो मार्केट अपने आप डिसाइड करेगा। तो आप देखेंगे कि ओवर द ईयर्स जो लोग नहीं कमिट करेंगे और एजुकेशन का सही मायने में उसको नहीं डिलीवर करेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी को और रिसर्चर्स को और बाकी सब लोगों को, वो अपने आप फिजल आउट हो जाएंगे इस मार्केट से और अच्छे जो परफॉर्मर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे इंडिया के अंदर। अभी अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, उन्होंने बहुत अच्छी एक स्कीम शुरू की जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस की बात है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस क्या है कि वो कह रहे हैं कि 10 प्राइवेट क्षेत्र में और 10 गवर्नमेंट क्षेत्र में हम वर्ल्ड क्लास
ورلڈ کلاس انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوں گے جو ٹاپ 200 گلوبل یونیورسٹیز کے اندر آئیں گے. تو آئی تھنک اٹس اے پازیٹیو موڈ اوور آل. ہر چیز کے کچھ نہ کچھ نیگیٹو پہلو ہوتے ہیں اور اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. ود ٹائم مارکیٹ ول ڈیسائڈ. اینڈ آج کل بہت سب کو بہت لٹریٹ ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, سب کو پتا ہے کون کیا کام کر رہا ہے. اٹ ول آٹومیٹکلی ٹیک کیئر آف. تھینک یو.